होप आप सब अच्छे होंगे। इस कोरोना की थर्ड वेव में सभी आप अपने घर पे रहें और मेरे वीडियोस देखते रहें। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो कोएंजाइम क्यू मुखिया था घर का, उसके जो चार बेटे हैं सबके कितने नाम हैं? दो दो। पर पहले हम एक एक नाम याद करेंगे, क्योंकि जब हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पूरा समझ में आ जाएगा तो हम उनका दूसरा नाम अपने आप बना लेंगे। तो पहले याद करते हैं कि जो पहला बेटा क्या कर रहा था, एनएडीएच से इलेक्ट्रॉन दे रहा था। तो एनएडीएच जब जहां पर भी बनता है कौन सा एंजाइम आता है? एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज। तो पहले कॉम्प्लेक्स का क्या नाम हो गया? एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज। दूसरा बेटा क्या कर रहा था? एफएडीएच से इलेक्ट्रॉन दे रहा था, एफएडीएच टू से। एफएडीएच टू कहाँ बनता है? क्रेब्स साइकिल में। कौन सी रिएक्शन में? जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है। तो कौन सा एंजाइम आता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो पहले और दूसरे कॉम्प्लेक्स में तो कोई नहीं है, दोनों एंजाइम लिखना है। जहां एनएडीएच बनता है उसका एंजाइम, जहां एफएडीएच बनता है, एफएडीएच टू बनता है वहां पे उसका एंजाइम। अब मेन प्रॉब्लम है तीसरा कॉम्प्लेक्स याद करने में। तीसरा कॉम्प्लेक्स क्या है? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम BC1 जाने उससे पहले हम जानते हैं साइटोक्रोम क्या होता है। साइटोक्रोम एक प्रोटीन होती है, ठीक है? प्रोटीन होती है जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच होता है। तो नॉन प्रोटीन पार्ट जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट टाइटली अटैच हो प्रोटीन से तो उसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। दोनों में TR कर लेना, टाइटली मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप। और लूजली अटैच हो तो ओ से ओ कोएंजाइम बोलते हैं उसको, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? कोएंजाइम। तो इसमें जो साइटोक्रोम में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है हीम, हीम मतलब आयरन, Fe। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी कि साइटोक्रोम में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? आयरन, ये इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो साइटोक्रोम इज ए हीम प्रोटीन, ठीक है? साइटोक्रोम भी जो एब्जॉर्ब करती है वेवलेंथ उसके आधार पर इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है, ए बी सी, ठीक है? यहाँ पर कौन कौन से हैं? बी बी और C1, ठीक है? और ए बी सी को भी आगे डिवाइड किया गया, पर उतना हमें नहीं जाना। हमें क्या करना है? तीसरे कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखना है, वो क्या है? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? अब हम आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में याद रखो, जब फोर्थ कॉम्प्लेक्स था वो इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा था? ऑक्सीजन को। मतलब वो क्या हो रहा था? उसका ऑक्सीडेशन, फाइनल इलेक्ट्रॉन उस कॉम्प्लेक्स से चला गया। तो इसको हमने बोल दिया साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। अब ये BC1C, ये आपको सीरीज है याद करनी पड़ेगी, ठीक है? वो आपको याद हो जाएगी, कोई हार्ड काम नहीं है। अगर आपको ये सब याद हो गए तो हमको पता है कि थर्ड कॉम्प्लेक्स में हमको B और C1 बनाने हैं, जबकि फोर्थ में सिर्फ सी बनाना है। तो मतलब C1 पहले आएगा, ठीक है? क्लियर है सबको? ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनका इसमें यही प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और भी अटैच होते हैं। एक एक कॉम्प्लेक्स के प्रोस्थेटिक ग्रुप भी याद करने हैं, क्योंकि एक बार में पढ़ो सारा अच्छा क्लियर कंसेप्ट, ठीक है? कि बार बार रटने की जरूरत नहीं, बार बार में कंफ्यूजन ही नहीं होना। क्योंकि जो है एक बुक में पढ़ दिया उसमें शॉर्ट भी दिया होता है, नेक्स्ट बुक में पढ़ा उसमें और डीप भी। तो एक बार में ऐसा पढ़ो कि क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है? तो अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इनमें, पहले तो इनमें कौन कौन से, तो अब हम जानते हैं कि इनमें और कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। एक एक नाम सबको याद रखे, और दूसरा नाम भी मैं याद कराऊंगी जब आपको वो बनाऊंगी, क्या पूरा चैन बनाऊंगी, ठीक है? तो जो मैंने आपको जब प्रोटीन पढ़ाया था तब आपको बताया था कि सिंपल प्रोटीन होती है सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड से बनी होती है, ठीक है? जबकि कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो होती है वो किससे बनी होती है? नॉन प्रोटीन पार्ट से, ठीक है? अगर आपने प्रोटीन वाला वीडियोज नहीं देखा है तो आप उसको जाके देखें, मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? अभी मैंने आपको बताया था कि जो टाइटली अगर जुड़ा है प्रोटीन से, कि बहुत टाइट ये बंधन तो टूट नहीं सकता, उसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। मतलब ये नॉन प्रोटीन पार्ट है पर बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है, टूट नहीं रहा है। और कोएंजाइम जो होता है वो ऐसे ही अटैच है लूजली, ठीक है? तो ऐसे नॉन प्रोटीन पार्ट जो लूजली अटैच होते हैं उनको हम बोलते हैं कोएंजाइम, और ऐसे नॉन प्रोटीन पार्ट जो टाइटली एसोसिएट होते हैं प्रोटीन पार्ट से उसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है? अब हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स, चार कॉम्प्लेक्स थे उनमें और कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, क्योंकि पूरा अगर हमें पता होगा तभी हम सीक्वेंस बना पाएंगे। अभी हमने सिर्फ सीक्वेंस बनाई है कॉम्प्लेक्स 1 2, अब हमें पूरी सीक्वेंस बनानी है कि किससे किसके पास जाएगा, किससे किसके पास जाएगा, ठीक है? तो जानते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में। तो देखते हैं जो कॉम्प्लेक्स थे वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स ही थे ना। एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज क्या था? एंजाइम। ASE लग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम, जिसके नोमेनक्लेचर में लास्ट में ASE, क्या ASE। तो पहला
डिहाइड्रोजनेज एएसई वगैरह था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, फिर उसके बाद क्या था, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, उसका भी दूसरा नाम है, ठीक है, उसके नाम, उसके बाद क्या था, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। चलो अब स्टार्ट करते हैं, इनमें कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, एंजाइम मतलब प्रोटीन है ना, कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, तो पहले और दूसरे में क्या होगा, कौन सा कॉमन होगा, आयरन सल्फर का, ठीक है, ये भी जानना जरूरी है आपको, ठीक है। कई लोग छोड़ देते हैं कि हमें ये इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। तो पहले और दूसरे में कॉमन कौन सा है, आयरन सल्फर, ये पूछे जा सकते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है, और तीसरे में भी क्या है, आयरन सल्फर। तो एक चीज क्लियर होगी, जो FeS है वो किसमें, तीनों में पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स 1, 2 और 3 में, ठीक है। अब हम आते हैं, हाँ, जब मैंने आपको साइटोक्रोम बताया था तो मैंने बताया था उसमें कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो हीम होता है, ठीक है, तो जो तीसरा कॉम्प्लेक्स था उसमें था साइटोक्रोम BC, तो उसमें भी हीम आएगा और फोर्थ कॉम्प्लेक्स में भी हीम आएगा, तो जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है उसका हमें दोनों प्रोस्थेटिक ग्रुप पता चल गए, कौन कौन से, हीम एंड आयरन सल्फर, ठीक है। अब हम आते हैं फर्स्ट पे, फर्स्ट पे एक जो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है FMN, कौन सा, FMN, फेबिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उसके पास सेकंड में होता है, सेकंड क्या था, FADS2, तो इसमें कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप है, FAD, ठीक है, कौन सा प्रोस्थेटिक, क्योंकि इसका नाम ही था ना FADS2 से, सेकंड जो बेटा था वो FADS2 से, तो FADS2 का तो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा हो गया, FAD, तो याद कौन सा रखना, अभी FMN वाला, ओके। तीसरा में याद ही हो गया था, चौथे में हीम के साथ क्या क्या आता है, कॉपर, ठीक है। अभी जब मैं आपको पूरा बनाऊंगी ना, पूरा स्टार्टिंग से लेके, अब हम ऐसे बनाएंगे NADH, FADH, अब हम ऐसे बनाएंगे, अब हम ऐसे नहीं बनाएंगे कि कॉम्प्लेक्स 1, 2, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया, अब हमें ये भी पता चल गया सॉरी अब हमें ये भी पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स 1 में कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, कौन से, FMN, FES, FAD, FES, हीम और FES, और फोर्थ में हीम और कॉपर। ये याद रखने की जरूरत है कि जो फोर्थ होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, इसमें कौन कौन से होता है, साइटोक्रोम है तो हीम तो होगा और कौन सा होगा, कॉपर, क्लियर है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अगर पूछे जाएं कि कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, तब आंसर जाएगा आपका 4। अगर यही पूछा जाए कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन में कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो कौन सा कितना जाएगा, 5, क्योंकि जो ATP सिंथेस है, जो पाया जाता है पंप कॉम्प्लेक्स, उस वो ही क्या करता है, ATP बनाता है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन का तो क्या मतलब है कि NADH से ATP बनना, तो इसमें कितने कॉम्प्लेक्स हो गए, 5th। जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या है कि हमको रिस्पिरेशन कंप्लीट करना है, क्या इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन लेती है, क्या बनाएगा, H2O, उसमें कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, 4th। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से, NADH डीहाइड्रोजनेज फर्स्ट ग्रुप, सेकंड कॉम्प्लेक्स FADH2 डीहाइड्रोजनेज, थर्ड कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, फोर्थ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ठीक है। इनके एक एक और नाम बताएंगे जब हम पूरा, हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है, हम खुद से बना लेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, कहाँ से कहाँ तक, NADH से और FADH से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक, ऑक्सीजन तक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, हमारा ऑक्सीजन। चलिए तो एक बार पूरा कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या चीज वो भी बता देते हैं, ठीक है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या है, मैट्रिक्स है, इसके बाहर कौन सी जगह है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का मतलब समझते हो, दोनों इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन की बीच की स्पेस, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन हमारे चिल्वर है, तो जो सेकंड कॉम्प्लेक्स होता है वो हाइड्रोजन को फेंकता नहीं है, ये भी चीज मैंने बताई थी। तो देखो अब हम पहला कॉम्प्लेक्स से लेके चल रहे हैं, पहले कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन निकले, इलेक्ट्रॉन पहले कॉम्प्लेक्स से गए दूसरे कॉम्प्लेक्स, फिर तीसरे कॉम्प्लेक्स, देने वाला कौन था, कोएंजाइम क्यू, वो हमने आपको बताया नहीं है, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ चला गया, 2 ऑक्सीजन के पास, क्या बन गया, H2। और अगर आप सोचोगे कि ये हाइड्रोजन फिर कहाँ से आया, तो वो दोनों यहीं पे हो रहा है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया क्योंकि ये एक साथ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है वो हाइड्रोजन नहीं निकालता। ये भी पूछा जाता है कि कितने कितने हाइड्रोजन निकालते हैं, पहला कॉम्प्लेक्स 4 हाइड्रोजन, ठीक है, कहाँ पे निकालते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और ये NADH कहाँ बना था, मैट्रिक्स में, ठीक है। एक और चीज बताऊंगी मैं आपको कि जो ग्लाइकोलाइसिस के मैट्रिक्स है, नई रिसर्च है, उनके लिए अलग से मैकेनिज्म दी गई है, बाद में बताएंगे, पहले अभी ध्यान दो, मैट्रिक्स में जो NADH बना वो टूट गया NAD में, और उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के पास, उसका हाइड्रोजन कहाँ चला गया, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, ठीक है। पहला कॉम्प्लेक्स इतना हाइड्रोजन निकालता है, 4, तीसरा, दूसरा कोई नहीं निकालता क्योंकि दूसरे के हाइड्रोजन तो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, दूसरा कॉम्प्लेक्स कितना निकालता है,
चार हाइड्रोजन, और तीसरा फोर्थ सॉरी तीसरा कितना निकालता है, फोर्थ सॉरी तीसरा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कितना निकालता है, चार हाइड्रोजन, और फोर्थ जो कॉम्प्लेक्स होता है दो हाइड्रोजन। तो हम ये वाला 4042 4042 याद कर लेते हैं, ठीक है। इनका एक और ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। कितने NADH2 थे हमारे पास, कितने NADH2 थे, दो NADH2 हमारे बने थे ग्लाइकोलाइसिस में, दो लिंक रिएक्शन में, और छह कितने बने थे, छह कहाँ बने थे, क्रेब्स साइकिल में। तो कितने हाइड्रोजन पास होंगे, 10। चार कौन करेगा, फर्स्ट बड़ा है चार ही करेगा, उसके बाद सेकंड कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। सेकंड के काम कहाँ आता है, H2O बनाने में। उसके बाद तीसरा कितना करता है, चार, और फिर लास्ट जो रह गया कितना करेगा, दो, ठीक है। पहले इन्होंने ज्यादा ज्यादा ले लिया, अब जो बच गया वो कौन करेगा, फोर्थ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सेम सेम हम बना सकते हैं यहाँ पे ऐसे कि ऐसे आप लोग बनाना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वन की जगह क्या लिख देना, कॉम्प्लेक्स टू, NADH की जगह क्या आ जाएगा, FADH, और फोर हाइड्रोजन की जगह कुछ भी नहीं, ठीक है, वो कहाँ चल जाएगा, H2O में। तो ये आपको इनकी जो लोकेशन है, कौन सी साइट है, वो सब क्लियर हो गया होगा, मतलब हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ जाते हैं, मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि ATP सिंथेसिस जो होगा वो इसी के बेसिस पे हम बताएंगे। तो हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, क्लियर है। हाइड्रोजन का नंबर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में बढ़ रहा है, सबको क्लियर होना चाहिए। ये कोई पॉइंट इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो मैंने आपको समझाया नहीं। एक और चीज, जो इनर मेम्ब्रेन होती है, मैंने आपको बताया था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड। तो मैंने यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बनाया है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल था, एक सिर और दो पूंछें होती हैं, ठीक है। डबल लेयर जो सेल मेम्ब्रेन में है ना, फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो लेयर बता दी, और कैसे अटैच होती है, पूंछ की सहायता से। अब इसमें इस डायग्राम में एक एक पॉइंट आपको क्लियर है, कितने हाइड्रोजन पास होते हैं, 10। पहला कितना करता है, चार, दूसरा कोई नहीं, तीसरा चार, और फोर्थ दो, क्लियर है। चलो अब हम आते हैं, पूरा सिक्वेंस लिखते हैं कि कहाँ से कहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन। चलिए फाइनल जो चीज़ जो कॉम्प्लेक्स ही बनी रहती है बुक्स में, कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से क्या हो रहा है, कौन सा कॉम्प्लेक्स, देखो अब ये मैंने सबसे सिंपलीफाई वे में बताई है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा कॉम्प्लेक्स बना है, कौन सा टू है, कौन सा थ्री है, कौन सा फोर है, ठीक है। अब हमें ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है, हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ जाता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन को निकालता है, ठीक है। NADH से इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, कोएंजाइम Q के पास, ठीक है। कोएंजाइम Q के पास, और कहां से इलेक्ट्रॉन मतलब पैसा आता है, FADH2 के पास, क्योंकि इसके दो कमाऊ बेटे थे, NADH और FADH2, ठीक है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन दिया। ये क्या बोलता है, जो तीसरा बेटा है कौन, साइटोक्रोम B, जो तीसरे बेटे हैं उसके दो पार्ट है, ठीक है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, हमने आपको बताया था ना, साइटोक्रोम BC1। तो पहले कौन आता है, नाम में ही पता है B, फिर उसके बाद आएगा C1, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इनके सीरीज के थ्रू जाएगा, इसलिए तो बोलते हैं चेन, एक चेन बना रहा है इलेक्ट्रॉन। C1 के बाद ये हो गया हमारा थर्ड, है ना, कॉम्प्लेक्स, ये हो गया हमारा सेकंड, है ना, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब कोई आपको मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कभी कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। अब ये जो पूरा है, यहाँ से साइटोक्रोम सी से लेके साइटोक्रोम A3 तक, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ। इसमें क्या होता है, साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, साइटोक्रोम A और A3 में, ठीक है। मैम आपने तो ये बताया ही नहीं, तो मैंने आपको नाम में क्या बता दिया, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, क्योंकि वो छोटा नाम था। पर इसमें और कौन आता है, साइटोक्रोम सी आएगा पहले, उसके बाद कौन आता है, साइटोक्रोम ए ए थ्री। जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें और भी होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जी उसमें हीम होता है और कॉपर भी होता है, तो उसमें और भी सीक्वेंस, इसका हम थोड़ा इलेबोरेट भी बताएंगे। पर पहले ये सीक्वेंस सब लोगों को याद होना चाहिए, NADH से कोएंजाइम क्यू के बाद साइटोक्रोम बी, ठीक है। अगर आपको इतना भी याद नहीं होगा तो भी मैं इसकी ट्रिक बना दूंगी, ठीक है। मैंने तो कभी ट्रिक नहीं बनाई है, क्योंकि मुझे इसमें इतना याद करने का है नहीं। अब आपको याद होना चाहिए, नाम से याद हो रहा है कॉम्प्लेक्स से, जो साइटोक्रोम बी, उसके बाद साइटोक्रोम सी वन के बाद क्या था, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, उसके बाद सी, उसके बाद लास्ट में कौन है, A3। पूछा जाता है कि कौन सा जो है साइटोक्रोम लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, कौन सा, साइटोक्रोम E3। अगर पूछे जाए लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन सा होता है, वो होगा ऑक्सीजन, ठीक है। पर अगर साइटोक्रोम की बात की जाए तो वो कौन होगा, A3, ठीक है। अब इस फोर्थ कॉम्प्लेक्स को भी हम थोड़ा इलेबोरेट कर देते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड में NADH FADH दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं, साइटोक्रोम बी के पास, फिर सी वन के पास, फिर सी के पास, फिर ए और A3 के पास। ये जो है ना इतना सा फोर्थ वाला, ये छोटा है नाम, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज पता चल रहा था, पर
और थोड़ा इलाबरेट किया गया है इसको, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं आपको बता रही थी ना कि हर के दो दो नाम होते हैं, ठीक है। इसका क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब रिडक्शन, तो इसको हम बोलते हैं पहले कॉम्प्लेक्स को और क्या बोलते हैं, NADH कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज, क्या बोलते हैं, NADH है जो कोएंजाइम क्यू को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो इस पहले का और क्या नाम होगा, NADH कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज, अभी लिख दूंगी, ठीक है। दूसरे का भी यही है, FADH कोएंजाइम क्यू, तीसरे का क्या नाम है, कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, क्या है, कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, मतलब आपको तीनों के दो दो नाम पता हो गए। NADH डिहाइड्रोजनेज को हम क्या बोल सकते हैं, NADH कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज, FADH डिहाइड्रोजनेज को FADH2 कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज, तीसरे को साइटोक्रोम BC1 को हम क्या बोल सकते हैं, देखो BC1 तो उसमें आ गए ना, दोनों आ गए, तो अब दूसरे नाम में इसको नहीं लेंगे हम, दूसरे नाम में किसको लिया, कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, कोएंजाइम क्यू किसको रिडक्ट कर रिड्यूस कर रहा है, साइटोक्रोम सी को। उसके बाद फोर्थ का एक ही नाम है, क्या, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, क्लियर है, सबके नाम याद हो गए। अब हम इसको थोड़ा इलाबोरेट कर रहे हैं, साइटोक्रोम सी से लेके साइटोक्रोम ए का क्या क्या होगा, कौन कौन से प्रोस्थेटिक पार्ट होंगे, सी ऑक्सीडेज तो किससे स्टार्ट होगा, साइटोक्रोम सी से, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ में एक तो हीम होता है, ठीक है, हीम कौन सा हो गया, यहाँ पे साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम ए थ्री, ठीक है, दो तरह के हीम होते हैं इसमें, कौन कौन से, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम ए थ्री। उसके बाद इसमें कॉपर होता है, कॉपर भी इसमें दो होते हैं, कॉपर ए कॉपर बी। ये ए बी क्या है कि जब ये जुड़ते हैं ना साइटोक्रोम से, फोर्थ कॉम्प्लेक्स से जुड़ते हैं, तो ये तो जुड़ता है सिस्टीन रेसिड्यू से और ये जुड़ता है हिस्टिडीन रेसिड्यू से, मतलब ये जो लिंक करते हैं जब साइटोक्रोम से उसमें चेंज होता है, ठीक है, इसलिए उनको ए और बी बोल दिया है। तो फोर्थ कॉम्प्लेक्स क्या है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स खुद में ही एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, क्या, साइटोक्रोम सी से कहां गया, कॉपर ए के पास ही जाएगा, उसके बाद फिर साइटोक्रोम ए के पास, उसके बाद फिर किसके पास गया, कॉपर बी के पास, उसके बाद फिर किसके पास गया, साइटोक्रोम ए थ्री, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइटोक्रोम होता है वो होता है ए थ्री, इसके बाद किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास, क्लियर है। एक बार हम पूरा, अगर आप ये भी बहुत ज्यादा मतलब याद नहीं रखोगे डीपी जो मैंने पहले बताया था वो भी बना दोगे, बिल्कुल सही है, एक बार पूरा फिर से बनाते हैं ताकि एक एक चीज हमें क्लियर हो। ये मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाई हूँ अभी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं बताया कि अभी एटीपी कैसे बनेगा, ठीक है, चलिए एक बार फिर से पूरा बना देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ताकि जिंदगी में कभी कहीं है। अब अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है, समझी है, अपने बुक में नोट किया है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। NADH से इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, कोएंजाइम क्यू के पास, साइमल्टेनियसली FADH2 भी इलेक्ट्रॉन देता है कोएंजाइम क्यू को, कोएंजाइम क्यू किसको ट्रांसफर करेगा, अपने नई कमाने वाला बेटा कॉम्प्लेक्स 3, वो कौन है, साइटोक्रोम बी सी1, ठीक है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है एक, ठीक है, तो साइटोक्रोम बी के बाद C1 एक कॉम्प्लेक्स, उसके बाद फिर जाता है फोर्थ कॉम्प्लेक्स पे, चौथा बेटा जो थोड़ा बड़ा है, इसके ज्यादा परिवार है, कुनबा थोड़ा बड़ा है, कौन, साइटोक्रोम C, उसके बाद कॉपर A, उसके बाद साइटोक्रोम A, उसके बाद कॉपर B, उसके बाद साइटोक्रोम A3, ठीक है, ये इसका पूरा, उसके बाद कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास और H2O बन जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ से आया, FADH2 से, और NADH2 का हाइड्रोजन कहाँ चला गया, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, कॉम्प्लेक्स थर्ड भी एक भेजता है, दो चार हाइड्रोजन भेजता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, कॉम्प्लेक्स फोर्थ भी भेजता है दो हाइड्रोजन, ठीक है, तो 4042 4042 का रेशियो याद रख लेना, ठीक है, ये हमारा बन गया H2O। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो बुक में बना होता था, कहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किसके पास जा रहा है, हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, कौन सी जगह हो रहा है, वो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा देखोगे उससे मुझे भी इनकरेजमेंट मिलेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे किस पे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पे, क्योंकि अभी सिर्फ ETC कंप्लीट हुआ है, अभी हमको ये नहीं पता कि NADH से ATP कैसे बनता है। चलिए, थैंक यू सो मच।